दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद और माई सिंपल गाइड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हैं तो ईपीएफ अकाउंट से रिलेटेड ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए और आपके पास लॉगिन पासवर्ड का होना बेहद ही जरूरी है, जिससे कि आप अपने पीएफ अकाउंट से रिलेटेड ऑनलाइन सेवाओं का लाभ जैसे कि पीएफ बैलेंस को चेक करना, पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करना, पीएफ ट्रांसफर करना, अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी को अपडेट करना, ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट सेवाओं का लाभ आप घर बैठे ही ऑनलाइन उठा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम अपने पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और पीएफ अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी बंद हो चुका है या खो चुका है, तो घर बैठे ऑनलाइन बिना एम्प्लॉयर की सहायता से अपने पुराने मोबाइल नंबर को या फिर पासवर्ड को कैसे बदल सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं और नए पासवर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल मुझे कई बार मेरे व्यूअर्स द्वारा मेरी वीडियोस पर कमेंट करके पूछा गया है कि हम अपने पीएफ अकाउंट में कैसे अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और अगर हम पुराना पासवर्ड भूल चुके हैं तो नया पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में पीएफ से रिलेटेड जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और टाइप करना है ईपीएफओ और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा वो इस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का, यानी www.epfindia.gov.in का। उस पे आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन यहां पे दिखाई देगी, यानी कि ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें आपको सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेकंड ऑप्शन को आपको चूज करना है और क्लिक करना है। मेंबर यूएन ऑब्लिक ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जहाँ आप लॉग इन करते हैं उसके नीचे यहाँ पर आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको अपना यूएन नंबर एंटर करना है, नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो अगली स्क्रीन आपको दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको सबसे पहले आपका यूएन नंबर दिखाई देगा, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो आपका पुराना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप देखेंगे नीचे आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू सेंड ओटीपी ऑन द अबव मोबाइल नंबर, क्या आप अपने ऊपर वाले जो पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजना चाहते हैं। यहाँ पर येस और नो, यहाँ पर आपको ध्यान रहे नो पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप पुराने मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे जो कि आपका बंद हो चुका है या खो चुका है तो उस पर कोई उसका कोई लाभ नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पर क्लिक करेंगे नीचे आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जैसे कि आपका नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, नीचे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई पर। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे जो अगली स्क्रीन आपको दिखा देगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ आपको सबसे पहले कैप्चा कोड एंटर करना है, नीचे अपना आधार नंबर एंटर करना है, उसके बाद इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपका आधार वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, आपके आधार कार्ड के साथ आपके करंट मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि आप ऑनलाइन इसको वैलिडेट कर सकें और अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर सकें या फिर अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है, पहले आपको कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर ओटीपी एंटर करना है, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नया पासवर्ड मांगा जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर अपना जो भी आप नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर एंटर करना है। नीचे कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से वही पासवर्ड एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आपको अपना पीएफ अकाउंट में अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा।
दोस्तों यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका पीएफ अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो और आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर अपना कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने पीएफ अकाउंट में रजिस्टर करा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोनों मोबाइल नंबर आपके सेम ही होने चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं कि अपने पीएफ अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने नए पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करना है अपने पीएफ अकाउंट में। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपना यूएन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, नीचे कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके पीएफ अकाउंट में आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको जाना है मैनेज पर और यहाँ पर क्लिक करना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी कि आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पर चेंज ईमेल आईडी भी पर क्लिक करके आप अपनी ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंज मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कन्फर्म करने के लिए दोबारा अपना मोबाइल नंबर री एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट ऑथेंटिकेशन पिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यानी कि एक पिन भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ अपडेट कर दिया जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी और आपको एक मैसेज शो होगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपके पीएफ अकाउंट के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर आप अपना पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हैं और आपके पास आपके पीएफ अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो भी नहीं है, आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या फिर खो चुका है, तो उस कंडीशन में आप नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं और अपने पीएफ अकाउंट में पुराना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जाना। दोस्तों अगर आप ऐसी और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि अपने पीएफ का और पेंशन का पूरा पैसा कैसे निकालें, या अपनी केवाईसी ऑनलाइन कैसे अपडेट करें, अपनी डेट ऑफ एग्जिट को कैसे अपडेट करें, और भी बहुत सारी पीएफ से रिलेटेड वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर जाकर आपको जाना है पीएफ विड्रोवल प्रोसेस ऑनलाइन प्लेलिस्ट पर, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको आई बटन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं और पीएफ विड्रोवल से रिलेटेड बहुत सारी इंपोर्टेंट वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।